हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जन आधार कार्ड हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल से। जन आधार कार्ड हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीधा गूगल पर आ जाना है। यहाँ पर जैसे ही गूगल पर आ जाएंगे तो हमें यहां पर टाइप करना है जन आधार कार्ड, इसको सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह की एक वेबसाइट यहां पर नजर आती है कि जना एप राजस्थान गवर्नमेंट .in। तो इसके ऊपर हमें जैसे ही क्लिक कर देना है, तो यहां पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस यहां पर नजर आएगा। सिटीजन रजिस्टर, सिटीजन अनरोलमेंट, फॉरगेट रजिस्टर, कैनोलमेंट रसीद, अपलोड डॉक्यूमेंट, और यहां पर देख सकते हैं कैनो योर जन आधार आईडी। तो इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। तो जैसे ही यहां पर क्लिक करेंगे तो ये नया पेज यहां पर खुलेगा और यहां पर देख सकते हैं यहाँ प्लीज एंटर योर फैमिली आईडी, असेसमेंट आईडी नंबर या आधार या मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। इसमें से कोई भी यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए हम डालते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं मैंने मोबाइल नंबर से इसे डाला है, मोबाइल नंबर डाला है। इसके बाद में नीचे कैप्चा कोड को डाल देना है। इसके बाद में सर्च के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ नया इंटरफेस नए पेज पर ले जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी जो पूरी डिटेल है, आपके नंबर से जो भी आपके पूरी फैमिली की डिटेल है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। जो भी जन आधार में आपका नाम है, आपके पूरा फैमिली का नाम है, वो यहाँ पर आपको नज़र आएगा। इसमें से किसी भी एक के ऊपर हमें क्लिक करना है। जैसे ही एक के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे हम कोई भी एक जो भी मुखिया है उसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद में हमें eKYC जन आधार के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम जन आधार eKYC के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर हैं जन आधार से, उसके ऊपर एक OTP आएगा। तो उस OTP को क्लिक करके यहाँ OTP को वेरीफाई कर देना है। तो हम जैसे ही OTP को वेरीफाई करेंगे तो हमारे सामने एक नया पेज और भी खुल जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे ही हम OTP को वेरीफाई किया है तो हमें और भी एक नया पेज खुला है, जिसमें आप देख सकते हैं एनरोलमेंट आईडी, अपनी जन आधार आईडी, और इसके बाद में जैसे ही आप लास्ट में देखेंगे तो आप ई जन आधार कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शंस मिल रहा है। तो यहां से आप जन आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जन आधार कार्ड डाउनलोड वाले ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही आसानी के साथ जन आधार कार्ड को डाउनलोड कर दिया है। तो दोस्तों इसी तरह आप भी अपने जन आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फ़ोन में इसे सेव कर सकते हैं, या फिर अपने कोई भी, या फिर आप कहीं से भी इसे प्रिंटिंग भी करवा सकते हैं। जैसा सा है वैसा प्रिंटिंग आप यहां से करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं और भी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।